नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अगर आप सोशल मीडिया पे जरा भी एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि जोमैटो को लेकर सोशल मीडिया पे घमासान छिड़ा हुआ है। आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं तो जोमैटो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो रेस्टोरेंट से आपके घर तक खाना पहुंचाने के काम आती है। हुआ यूं कि 10 मार्च को हितेशा चंद्रांशी नाम के एक औरत ने अपने घर पर रात के करीब 3 बजे जोमैटो से ऑर्डर किया, जिसके बाद वो खाना आने में थोड़ा लेट हो गया, जिसकी वजह से हितेशा ने डिलीवरी बॉय को अक्यूज्ड किया और बोला कि टाइम से लेट होने की वजह से ये खाना उनके लिए फ्री है। जिस पर हितेशा का कहना है कि डिलीवरी बॉय ने उन्हें नाक में पंच किया और उनके नाक से खून निकल आया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वीडियो कि क्या कुछ कहा है हितेशा चंद्राणी ने, तो देखिए ये वीडियो। गाइस, माय जोमैटो ऑर्डर वाज लेट एंड आई वाज टॉकिंग टू द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एंड मीनवाइल द डिलीवरी पर्सन जस्ट डिड दिस, ही हिट मी, लेफ्ट मी ब्लीडिंग हियर एंड रन ऑफ। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद। सो गाइस, माय जोमैटो ऑर्डर वाज लेट and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this, he hit me, left me bleeding here and ran off, please। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जोमैटो ने अपना पक्ष रखा और कहा कि वो इस मामले को लेकर काफी शर्मिंदा हैं और आगे से ऐसी घटना ना हो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। वही इस मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है, यानी डिलीवरी बॉय का पक्ष। कामराज ने कहा कि उसने खाना लेट होने की वजह से हितेशा से माफी भी मांगी थी, लेकिन हितेशा ने उसके बाद उसे गाली गलौज करना शुरू किया, जिसके बाद उसने उसे चप्पलों से भी मारा है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा कामराज ने। सर, आई डिडंट यूज एनी अब्यूज वर्ड सर। व्हेन आई रीच हर होम आई हैव इन्फॉर्मड अबाउट द डिले एंड रिक्वेस्टेड हर, मैडम प्लीज सॉरी द आइटम वॉज लेट बिकॉज ऑफ द road issue and the traffic issue. I have explained her and I have requested her sorry and for the apology and gave her the item. She kept her nearby the door there is a table. In the table she kept the item. Then I started requesting her and she started chatting in the chat support. When I started requesting her, she told, wait, I am chatting with the support. वही कामराज के इस बयान आने के बाद जोमैटो के मालिक ने कहा कि कामराज पिछले 2 साल से उनके साथ काम कर रहा है, जिसकी रेटिंग 4.7 है, जो कि अच्छी है और आज से पहले ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अस्थाई तौर पर कामराज को सस्पेंड कर दिया गया है। वही जोमैटो ने कहा है कि हितेशा के जो भी खर्च आ रहे हैं, जो भी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च हो रहे हैं, वो सारे खर्चों का वहन कंपनी कर रही है। वहीं कामराज को भी उसकी सैलरी और लीगल तौर पे जो भी खर्चे आ रहे हैं, वो सब सभी खर्चों का वहन जोमैटो कंपनी कर रही है। वहीं आज सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ गया है, सभी अपने अपने तर्क सामने रख रहे हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा इस बीच सामने आई, उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि जो भी सच्चाई को इंसाफ मिल सके। अगर कामराज की कोई गलती ना हो तो लड़की पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जहां इस घटना के बाद पूरे फेमिनिज्म पे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तमाम सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया पे तरह तरह के विचार प्रकट किए जा रहे हैं। लेकिन अब सच कौन है, क्या सही है और क्या गलत, ये तो पुलिस के तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। इस घटना की और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज 19। वही खबर जोधपुर से आ रही है, जहां युवक को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया है। पुखराज मेघवाल में भवानी सिंह व दो अन्य लोगों पर ये आरोप लगाया गया है। गाली गलौज करने का भी आरोप है उन पर। ओसिया पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं तिवारी के भलासरिया गांव का ये मामला है।
राजस्थान के अंदर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। अपराधियों के अंदर ना पुलिस का भय है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का भय है। इसी के चलते हुए अपराधी आते हैं, घर से अपहरण करते हैं, अपहरण करने के बाद में शमशान घाट लेकर के जाते हैं, पेड़ से बांध देते हैं और युवक को बहुत बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, और उसके बाद भी वह नहीं रुकते और धारदार हथियार से उसकी नाक काटने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जिले की। आप सभी को बता दूं कि बाड़मेर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक युवक को घर से उठा लिया गया। घर से उठाने के बाद में उसको शमशान घाट पर ले जाया गया और पेड़ से बांध दिया गया। पेड़ से बांधने के बाद में उसके साथ में मारपीट की गई और बदमाशों ने उसके बाद धारदार हथियार से उसकी नाक को काटने की भी कोशिश की है। इसी के चलते हुए जब यह घटना का पता पुलिस को चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को पेड़ से छुड़ाया और अस्पताल के अंदर भर्ती भी कराया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि उसको घर से उठाने के बाद में पेड़ से बांधा गया और उसके साथ में मारपीट की गई, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट से। सरण गांव पे लेके गया, सरण गांव गांव पे लेके गए खेजड़ी के ससमाना में, खेजड़ी के बांध के उसने कूट मार की उसका नाक काटा। वो कौन लोग हैं? वो भील है, सरली वाड़ा, सरली गांव है उसका भील है। कौन कौन लोग? एक है सरवण है, खेता है और बड़े लोग सौरभपुर सौरभपुर नौ लोग था। तो आप लोग ने मारने के लिए दिया था, उसने गाँव वाली पकड़ी, इतना नाक काटा तो उसने बोला मत करो मत करो, तो गांव वाले गया वो छोटा, उसके टाइम पे क्या पुलिस आ रही है, तो गांव वाले गए पुलिस को फोन कर, पुलिस आदमी मारता है तो वो भंग गया क्या रहे। फिर पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई, पुलिस ने तो खोला है खेड़ी की बांधा था उसमें, पुलिस आई थी। जब पुलिस ने खोला गाँव वाले कहते फोन आते हैं तो हम खोलते नहीं। आपने मामला दर्ज करवाया? मामला गुड़े पे दर्ज कराया है। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एक युवक का अपहरण और उसे शमशान घाट पर ले जाकर पेड़ पर बांध करके बुरी तरह से मारपीट की गई है। इसी दौरान उसका धारदार हथियार से नाक काटने का भी प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने युवक को बचाते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया। सरहदी जिला बाड़मेर गुड़ामलानी थाना क्षेत्र के सिंधावास गाँव के अंदर आपसी पारिवारिक रंजिश के चलते हुए कुछ लोगों ने एक युवक का अपहरण किया, उसके बाद सरनू स्थित शमशान घाट पर ले गए जहां एक पेड़ से बांध करके उसको जमकर पीटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भी पहुंचाया और सुरेश कुमार पुत्र कुंभाराम मजदूरी के लिए गुड़ा मलानी क्षेत्र के सिंधावास आया हुआ था, जहां पर सरली निवासी श्रवण कुमार व अन्य 5-7 लोगों ने उसका अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए सरनू गाँव स्थित शमशान घाट पर ले गए, जहां उसके साथ मारपीट कर रस्सी से पेड़ पे भी बांध दिया। उसके बाद धारदार वस्तु से युवक का नाक काटने का प्रयास किया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अपहरण और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आपसी पारिवारिक रंजिश के चलते हुए वारदात को अंजाम दिया है। वही खबर जयपुर से, जहां विधिक माप विज्ञान टीम ने सराफा व्यापारियों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि गलत तौल मशीन सत्यापन नहीं कराने वाले व्यापारियों पर एक्शन लिया गया है और सोने चांदी के आभूषण के व्यापारियों की दुकानों पर भी छापा पड़ा है। तोलने की मशीनों बाट माप में अनियमितता और सत्यापन नहीं कराया पाया जाने पर कार्रवाई की गई है। वही राजधानी जयपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर रामेश्वर प्रसाद रोहिला ने अपने बेटे की शादी रचाई है और इस शादी के अंदर कई बड़े नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शिरकत की है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर के अंदर जज रामेश्वर प्रसाद रोहिला ने अपने बेटे अभिषेक कुमार रोहिला की शादी रचाई है, तो वहीं कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जज ने शादी को ध्यान में रखा और शादी का प्रोग्राम राजरतन मैरिज गार्डन के अंदर रखा गया। साथ ही साथ जज रामेश्वर प्रसाद रोहिला ने
सभी को उचित दूरी बनाए रखने को कहा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है। वहीं जज के बेटे की शादी में बड़े बड़े अधिकारियों ने शिरकत भी की और जज के मुनिराम सेन ने गांव की रीति रिवाज से साफा में माला पहना करके उन्हें सम्मान दिया है। साथ ही जज साहब के बेटे को सभी बड़े बड़े अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने अपने सम्मान दिया और आशीर्वाद भी दिया। तो वहीं दौसा बांधी गई ADJ हनुमान मारू है सभी बड़े बड़े अधिकारियों को व मुनिराम सेन को साथ में लेकर के जज ने खाना भी खाया है और सभी को खाना भी खिलाया। साथ ही साथ अभिषेक रोहिला ने अपने दोस्तों के साथ शादी के अंदर डांस करके शादी का लुत्फ उठाया। आज कोरोना के कारण मेरे बेटे अभिषेक रोहिला की शादी पर राजस्थान सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य की जारी गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें सभी उपस्थित लोगों ने मास्क का प्रयोग किया तथा केंद्र पर स्थित सभी विवाह स्थल पर उपस्थित सभी सज्जनों ने मास्क लगाकर ही कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया। हम सभी पधारे हुए अतिथियों के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में कोविड की गाइडलाइन को प्रयोग करते हुए पालना करते हुए कार्रवाई की। धन्यवाद। वही खबर जयपुर से आ रही है जहां रिश्वत में अश्वत मांगने का ये मामला है और आज विधानसभा में ये मामला गूंजेगा। विपक्ष में आक्रामक रणनीति अपनाई है और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसके संकेत भी दिए हैं। का प्रदेश में एक बार फिर खाकी शर्मसार होती नजर आ रही है और रक्षक ही अब भक्षक बन के बैठे हैं। वही खबर बाड़मेर के बालोतरा से आ रही है जहां आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। बाड़मेर के बालोतरा के मंडली थाना क्षेत्र में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मेगा हाईवे पर दुर्गापुरा गांव के पास ट्रेलर व कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और तेज रफ्तार ट्रेलर टक्कर दुर्घटना के बाद पलट गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। टक्कर दुर्घटना की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। वहीं लोगों ने एम्बुलेंस व पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर इतनी भयानक थी कि लोगों की रूह कांप गई। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे की सूचना मिलने पर मंडली थाना अधिकारी दाऊद खान जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को मोर्चरी में भिजवाया। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर जाम खुलवाया गया। वहीं हादसे में मरे लोगों के लिए के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं भाजपा के हिमाचल प्रदेश प्रभारी एवं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रभारी रह चुके अविनाश राय खन्ना ने माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र को शिष्टाचार भेंट की है और स्वयं की लिखी पुस्तक अनुभव भेंट की। खन्ना रेड क्रॉस के भी वाइस चेयरमैन हैं और वहीं रेड क्रॉस की इनिशिएटिव पुस्तक भी उन्हें भेंट की है। वही खबर ओसिया से जहां आगामी 27 मार्च को एक शाम शहीदों के नाम का एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसका पोस्टर विमोचन किया गया। आगामी 27 मार्च को ओसिया क्षेत्र में सेवारत सैनिकों द्वारा एक शाम शहीदों के नाम विशाल भजन संध्या एवं शहीद परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका पोस्टर विमोचन उपखंड कार्यालय व PG कॉलेज में किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रतन लाल रैगर, तहसीलदार डाला राम पवार, विकास अधिकारी महेश चौधरी, ओसिया सरपंच ओम सिंह भाटी, गोपासरिया सरपंच सुखदेव, गौरव सैनिक बेरा भूरा राम साई, अचला राम ओम प्रकाश, बुद्धाराम छात्र नेता दिनेश कड़वासरा,
मोहन भाकर, मूलाराम आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ता सैनिक आनंद ढाका ने बताया कि भजन संध्या में राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र अजमेरा एंड पार्टी भजनों की प्रस्तुति करेंगे और जिले भर के शहीद परिवार को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सेना के कई अधिकारी शिरकत करेंगे। नागौर की कुचामन सिटी से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, कुचामन सिटी के पास पलटी है अजमेर रेंज आईजी की कार। ऐस संगतिर है रेंज आईजी, तो वहीं मेगा हाईवे पर उनकी कार पलट चुकी है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की, अजमेर रेंज आईजी की कार पलट गई है मेगा हाईवे पर। और वहीं प्राथमिक उपचार के बाद में आईजी कुचामन से रवाना हुए। वही खबर सिकराय से आ रही है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी अव्यवस्था देखी गई। वही सिकराय उपखंड क्षेत्र में कोरोना का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें आज बहरावंडा पीएचसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्था देखी गई। कोरोना टीका लगवाने के लिए वृद्ध जनों की भीड़ सेंटर पर उमड़ी, जिसे लेकर कोविड पर रजिस्ट्रेशन कक्ष में वृद्ध जनों की भीड़ लग गई और वृद्ध जनों को रजिस्ट्रेशन कक्ष में ही बैठना पड़ा। अव्यवस्थाओं को लेकर बहरावंडा नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं में सुधार करा के टीकाकरण कार्य को सुचारू रूप से करवाया एवं टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नायब तहसीलदार द्वारा फटकार भी लगाई गई। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, कोटा के अंदर बाइक सहित नहर में पुलिस कर्मी बह चुका है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बाइक सहित नहर के अंदर पुलिस कर्मी कोटा में बह गया। बूंदी रोड स्थित नहर की यह घटना बताई जा रही है और पुलिस अधिकारियों सहित रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और नहर में पुलिस जवान की तलाश अभी भी जारी है। गोताखोरों ने नहर से बाइक को बरामद किया। वही खबर गडरा रोड से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गडरा रोड में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भारू सिंह रावत सर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान राजस्थान सरकार की विफलताओं के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बिजली की बढ़ी हुई दरों, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, खनन माफियाओं के बढ़ते आतंक, अनैतिक शराब नीति आदि समस्याओं को लेकर गडरा रोड उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर दशरथ मेघवाल, जोगाराम दर्जी, भैरव सिंह सोड़ा समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक उपखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय के ऊपर हमारा विरोध प्रदर्शन है। जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, उसकी विफलताओं को लेकर हम माननीय उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम ज्ञापन देने आए हैं। उसकी जो प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार की विफलता है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, किसानों के साथ जो जिस प्रकार से अन्याय चल रहा है। वही खबर महुआ से आ रही है, जहां व्यापारियों के कमीशन को कम करने के लिए महुआ मंडी को बंद रखा गया। व्यापारियों का कमीशन बढ़ाने के लिए महुआ सब्जी मंडी के व्यापार मंडल द्वारा रविवार को महुआ सब्जी मंडी को बंद रखा गया। मंडी अध्यक्ष जयलाल सैनी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सब्जी मंडी के व्यापारियों का कमीशन कम करने के विरोध में सब्जी मंडी को बंद रखा गया, जिसके चलते 15 से 20 लाख का सब्जी नहीं मिल पाई, जिससे खुदरा सब्जी के विक्रेताओं को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। सब्जी मंडी में हड़ताल के चलते सन्नाटा पसरा रहा। वही खबर बारा से आ रही है, जहां एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर एक युवक ने हाथापाई कर दी। उससे जब कांस्टेबल ने कहा कि आप गाड़ी हटाओ, तो उसे गुस्सा आ गया और वो वर्दी से झूम गया, जिसकी वजह से उसकी वर्दी और बनियान फट गई। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। बारा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात एक कांस्टेबल से कार सवार युवक ने हाथापाई कर दी, जिससे कांस्टेबल की वर्दी और बनियान फट गई। कांस्टेबल द्वारा युवक के खिलाफ मारपीट करने व गाली गलौज करने की रिपोर्ट कोतवाली में दी गई है। वहीं कार सवार युवक ने भी उसके साथ कांस्टेबल द्वारा गाली गलौज करने की रिपोर्ट दी। मामला शहर के कॉलेज रोड का है, जहां सोमवार सवेरे ट्रैफिक कांस्टेबल ग्यारसी राम सहरिया ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैनात था। कांस्टेबल ग्यारसी राम ने बताया कि कार सवार कर्नल वैष्णव नामक युवक ने रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी,
पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई थी, जब उसको गाड़ी हटाने के लिए कहा तो युवक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज करने लगा और वर्दी से झूम गया, मारपीट करने लगा, जिससे थाने में रिपोर्ट दी गई है। वहीं युवक के पिता श्याम कुमार वैष्णव ने बताया कि उनका पुत्र कर्नल वैष्णव, उनकी पुत्रवधु और उनकी बेटी साथ थे। पुलिसकर्मी ने गाली गलौज करते हुए गाड़ी हटाने के लिए कहा, हाथापाई की, जिससे उसके पुत्र का हाथ वर्दी में फंस गया और फट गया। इस बारे में उनके द्वारा भी थाने में रिपोर्ट दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कोटा के अंदर युवक के हाथ में घुसे चाकू सहित टांके लगाने के मामले को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले में कमेटी गठित की गई और कमेटी गठित करने के बाद में 3 सदस्यों की कमेटी करेगी पूरे मामले की जांच। तो वहीं MBS अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना ने यह जानकारी दी। गुज्जर समाज का 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज होने वाला है। सामूहिक विवाह आयोजन समिति गुज्जर समाज जयपुर के तत्वाधान में गुज्जर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज दशहरा मैदान आदर्श नगर जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सम्मेलन में 9 जोड़ों का विवाह करवाया जाएगा। साथ ही समाज के भामाशाहों का सम्मान भी किया जाएगा। विधायक GR खटाना तथा समाज के पार्षद कार्यक्रम में शिरकत करके वर वधु को आशीर्वाद देंगे। वहीं कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने फिर से बयान दिया है कि प्रदेश में SC ST और अल्पसंख्यक विधायकों के साथ भेदभाव के मुद्दे को लेकर वे अपना बयान भी कायम है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि वे राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखेंगे और यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह इस्तीफा देने में भी पीछे नहीं हटेंगे और विधानसभा में मुद्दा उठाएगी। SC ST विधायकों को जानबूझकर बिना माइक वाली सीट दी गई है, इसके बाद भी इन सीटों पर माइकों की व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मेरा मुद्दा विकास कहाँ है और इसलिए जनता मुझे चुनकर भेजा है। बोले, 3 सालों में प्रदेश में जो विकास हुआ उसकी तुलना जोधपुर और कोटा और SC ST तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों से कर लें, अंतर आपको खुद पता चल जाएगा। 4th दिन भी 200 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मामले राजस्थान के अंदर सामने आए हैं। रिकवरी रेट भी घटी, प्रदेश में भी मरीज लगातार बढ़ रहे और लगातार 4th दिन 200 से अधिक रोगी आए हैं। बीते 24 घंटों के अंदर 250 नए केस मिले हैं। अब तक 3,22,969 संक्रमित हो चुके हैं। तो समस्या यह भी है कि रिकवरी घटने के कारण अब एक्टिव केस 2453 तक पहुंच गए। 2 दिन में ही रिकवरी रेट 0.9% रही है और जयपुर में रविवार को सर्वाधिक 49 केस आए। इसके बाद उदयपुर में 37 और राजसमंद में 34 रोगी आए। उदयपुर में और जयपुर में कुछ दिन से संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। देश में मास्क न पहनने और 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करने का खामियाजा बढ़तने और खतरे के रूप के बढ़ते हुए सामने आते हुए नजर आए हैं। रविवार को चिंता बढ़ाने वाले 2 आंकड़े सामने आए। पहला, संक्रमण का स्तर पिछले साल दिसंबर स्तर पर पहुंच गया। यह बीते कुछ समय पहले 1.55% था तो अब 1.85% पर पहुंच गया। दूसरा, बीते 24 घंटे में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 2.10 लाख हो गया। यह 19 जनवरी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। बलात्कार केस की जांच के बहाने 30 साल की पीड़िता से अस्मत मांगने वाले ACP कैलाश बोरा को राज्य सरकार ने सस्पेंड तो कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग में संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने सोमवार सुबह ऑफिस खुलने के पहले ही निलंबन आदेश जारी कर दिए। निलंबन अवधि में कैलाश बोरा जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से अटैच रहेंगे। मतलब यह है कि जेल से बाहर आने के बाद निलंबन अवधि में वह जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। RPS कैलाश बोरा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूर्वी जिले में महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में सहायक पुलिस आयुक्त थे।
डीसीबी ईस्ट के ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पर उनका ऑफिस बना हुआ था, जहां एसीबी ने रविवार को पीड़िता के साथ बोरा को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। असमत मांगने की बात सामने आने पर एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई में युवती के कपड़ों पर विशेष केमिकल लगाया था। जब कैलाश बोरा ने युवती को स्पर्श किया, ऐसे में एसीबी द्वारा उनको गिरफ्तारी के बाद हाथ धुलवाए गए। तब पानी में हाथों से गुलाबी रंग निकलने लगा और एसीबी ने कपड़े की साक्ष्य के तौर पर उन्हें जब्त किया है। अशोक गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक आज शाम को मुख्यमंत्री निवास पर करेंगे। इसमें विधानसभा उपचुनाव और मंत्रियों के जन सुनवाई कार्यक्रम तेज किए जाने को लेकर के रणनीति पर मंथन होगा। इसके साथ ही विधानसभा में रखे जाने वाले कुछ बिलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक शाम को करीब 7:15 होगी, तो इसके बाद 8:00 मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। इसमें सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज रहने के लिए कहा गया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। वही खबर जयपुर से, जहां दिन ब दिन राजधानी जयपुर में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। बदमाशों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कार सवार बदमाशों ने मारपीट करी है। बदमाशों ने एक युवक से मारपीट की, वहीं कावटिया अस्पताल की पार्किंग का ये मामला बताया जा रहा है। वही खबर चौमू से आ रही है, जहां विश्वकर्मा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मोबाइल की दुकान में जो चोरी हुई थी, उस मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां कोटपुतली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गोपालपुरा गांव के खरकड़ी मोड़ की ये कार्रवाई है, और वहां वारदात को अंजाम देने की फिराक में था ये आरोपी। वही खबर बाड़मेर से आ रही है, जहां गुड़ामलानी डीएसपी शुभकरण के निर्देशन पर अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई की गई। वहीं आरजीटी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े अवैध बजरी खनन करते जेसीबी सहित 4 ट्रक जब्त किए गए हैं। वहीं कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है और पुलिस के वाहनों को जब्त कर आरजीटी थाने में खड़ा किया है। वही खबर जयपुर से, जहां विधिक माप विज्ञान टीम ने सराफा व्यापारियों का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि गलत तौल मशीन सत्यापन नहीं कराने वाले व्यापारियों पर एक्शन लिया गया है, और सोने चांदी के आभूषण के व्यापारियों की दुकानों पर भी छापा पड़ा है। तोलने की मशीनों, बाट माप में अनियमितता और सत्यापन नहीं कराया पाया जाने पर कार्रवाई की गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए दूसरे T20 में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। विराट कोहली ने नाबाद 73 रन बनाकर के फॉर्म में लौटने के संकेत दे दिए, लेकिन पारी की शुरुआत करने वाले KL राहुल दूसरे मैच में भी फ्लॉप रहे। वो बिना खाता खुले हुए भी आउट हो गए हैं। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज और झारखंड के कप्तान ईशान किशन अपने डेब्यू T20 मैच में ही छा गए। किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए 32 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 56 रनों की धमाकेदार पारी खेली। राजद्रोह के मामले में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत 10 लोग आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस मामले में सभी को 15 मार्च को तलब किया था, और इन सभी पर दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 124A सहित कई धाराओं पर चार्जशीट दायर की है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए किसानों को 3.5 माह से अधिक समय हो गया है। ये किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इनमें टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर प्रमुख है।
इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी है कि किसान आंदोलन के कारण बंद किए गए गाजीपुर बॉर्डर के दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को वाहनों के लिए खोल दिया गया। फुलेरा दूज आज 15 मार्च को मनाई जा रही है। फुलेरा दूज को विवाह का अंतिम अबूझ मुहूर्त व शुभ दिन भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विवाह करने वाले दंपत्ति को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ये त्यौहार फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। फुलेरा दूज को फाल्गुन मास में सबसे शुभ और अधिक धार्मिक दिन भी माना जाता है। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।